बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे कोई अनजाना। बट तुम बेटा, तुम यूं अचानक? आओ अंदर आओ। अंबर, अंबर क्या हुआ बेटा? अंबर क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? हुआ क्या है बताओ तो। अंबर क्या हुआ बेटा? अंबर क्या हुआ? क्यों रो? जमाल कहाँ है? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? क्या हुआ? अंबर अंदर अंदर ले चलो। अंदर आओ, अंदर आओ। चलो क्या हुआ है अंबर बताओ। उसने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे एयरपोर्ट तक भी नहीं छोड़ने आया। उसने मुझे इतने बहाने अपने से जलील किया। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी जमाल से बात करके मामला हल करता हूँ। मैं करता हूँ बात बेटा। चल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी तुम्हारे अबू से पूछो, अभी अबू बात करते। देखो अबू बात करते। अच्छा चुप हो जाओ, परेशान नहीं हो। हेलो जमाल बेटा। बेटा ये अंबर अभी यहाँ पहुंची है। ये तुमने क्या कर दिया बेटा, हमारे तो दिल डूब गए। देखे मैंने कुछ नहीं किया, सारा कसूर आपकी बेटी का है। अगर आपको कुछ पूछना है तो अपनी बेटी से पूछे कि उसने क्यों आज तक अपने एक्स फियांसी की डायरी छुपा के रखी हुई थी और कल तक वो उस पर अपनी कहानी लिखकर मेरा और अजय का कंपैरिजन कर रही थी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी पाकबाज है बेटा। जब से तुमसे निकाह हुआ है तो उसने इज्जत से बात तक नहीं की है बेटा। देखिए बात यह है कि आप ही आज तक अपनी शरीफ बेटी की शराफत को समझ नहीं सके हैं। आज इज्जत की डायरी निकली है, कल किसी और का खाता आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा ऐसा मत सोचो बेटा। कोई अंधा ही होगा जो इतनी बड़ी बात निकल सकता है। मैं जो देखता हूं उसी पर यकीन रखता हूं। देखिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, लेकिन फोन बंद करने से पहले मैं आपको वाजे तौर पे बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता जिसके दिलो दिमाग पे किसी और का कब्जा हो। इसलिए बेहतर होगा आप मुझसे राब्ता करने की जहमत ना कीजिए। जमाल 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 क्या? हेलो हेलो बीबी, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू, तुम सुनाओ। मुझे लगता है आज तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्या मतलब? लगता है तुम कुछ बताना चाहती हो मुझे। जो भी कहना है खुल कर कहो। हाँ लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, हम दोस्त हैं अरीबा। हाँ इस बात में कोई शक नहीं है कि हम दोस्त हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान अभी ट्रस्ट का वो लेवल डेवलप नहीं हुआ कि मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बगैर किसी यकीन दहानी के दे दूँ। कैसे यकीन दहानी? तुम बस मेरी एक जुमले पे यकीन कर लो, बस इतनी सी शर्त। लो कर लिया यकीन, अब बताओ अब क्या है वो जुमला।
बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खाओ। मैं समझ गई। ठीक है फिर, आज से हम मिलकर साथ काम करेंगे और इस बात का यकीन रहे कि बेबी के पास तुम्हारा हर राज राज ही रहेगा। इम्प्रेसिव, समझदार हो। तो फिर आज हमारा दुश्मन चोरी छिपे किसी से मिलने जा रहा है, बस उस पे कड़ी नजर रखना। फिर शाम तक मारिया तुम्हारे आगे ढेर हो चुकी होगी। बस कम इस बात का तो ख्याल कर लो कि मैं अभी किसी और की इज्जत हूं। काश तुमने यही बात है जो आज से भी कही होती। तो मेरा शक ठीक निकला। जवाद कौन है? पहले फहद और अब जवाद, इसका मामला आखिर है क्या? तुम परेशान ना हो, तुम कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊं। मैं सिर्फ अपनी हैरत का जवाब चाहता हूं। शायद तुम्हें ये सब कुछ देख के हैरत हो रही होगी ना कि इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद भी मैं इस दुनिया का सामना कैसे कर रही हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि तुमने जवाब के साथ शादी क्यों की और ये अज़्ज़त कहाँ से बीच में आ गया। ये सवाल तुमने मुझसे तब क्यों नहीं पूछा जब तुमने मुझे तलाक दी? जो कुछ तुमने किया था उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत थी? तो आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि मैंने जवाब से शादी क्यों नहीं की और अज़्ज़त से क्यों की है? शायद तुम्हें मुझे यूं इस तरह देख के बहुत हैरत हो रही होगी कि जिस मारिया को मैंने दुनिया की जिल्लत का निशाना बनाया वो इतनी खुशगवार जिंदगी कैसे गुजार रही है। तुम बस ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी धुतकारी हुई लड़की को अज़्ज़ जैसा शख्स कैसे मिल गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मारिया, क्योंकि मैं आज भी वही खड़ा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, उसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया था मेरे साथ। प्यार? तुम जानते क्या हो प्यार के बारे में? जो देखा जैसा देखा उस पर यकीन कर लिया, एक मर्तबा भी मुझसे नहीं पूछा कि सच क्या है। और अगर अब तुम्हें इस वक्त ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने आई हूँ तो नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें ये वॉर्न करने आई हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माजी का जान छुटवाई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी की कोई भी याद मेरे प्रेजेंट को ख़राब करे। तो खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। और वो जवाब, वो तो मेरा भाई जैसा कजिन था। तुमने इतना बुरा इल्ज़ाम मुझ पे लगाया, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो मारिया, तुम्हें जवाब के साथ देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ इस वक्त बैठ के अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो तुम। अगर मैं तुम्हें जवाब के साथ देख लेता तो कभी तंग नहीं करता, लेकिन तुम्हें अज़्ज़त के साथ देख के वो गिल्ट जो कितने बरसों से मेरे साथ था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए शायद मैं आज भी तुम्हारे पीछे चला आया। तुम जानते हो जब तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद कर रहे थे मैं तो तुमसे मिलने के लिए राजी थी, लेकिन अरीबा ने मुझे मना किया। उसने मुझे कहा कि अगर मैं इस तरह तुमसे मिलूंगी तो मेरी बहुत बहुत बदनामी होगी और अगर अज़्ज़त को पता चल गया तो क्या होगा, मैं अज़्ज़त को क्या बोलूंगी, सिचुएशन कैसे हैंडल करूंगी। अरीबा ने? बस
सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। जब कोई किसी और को पसंद करता है और रिश्ता कहीं और तय हो जाए तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। जवाहर और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद रीवा उसे प्यार करती थी और उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। अरीबा फहद से मोहब्बत करती थी, ये क्या नया ड्रामा है? बेबी कहाँ मर गए, पानी दे दो, हलक में कांटे से लग रहे हैं। एक तो घर इतना बड़ा ले लिया क्या, दूसरों तक आवाज ही नहीं जाती। अरे कहाँ है सारे, मर गई, मर गए बेबी, बेबी मारिया क्या हुआ, क्यों चला, मर गए क्या, गिर कैसे गई, क्या मौत आई थी हमारी, चोट लग गई कोई सर में, आ गई आपकी चाहिए थी बहू। भाई मैं तो अम्मी अपनी फ्रेंड के आ गई थी, जरा इससे पूछे कहाँ से आ रही है। मैं तो अपनी अम्मी के घर से आ रही हूँ। ठीक है, तो इसमें घबराहट वाली क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो असल में अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस आप ठीक है, आपको क्या हुआ है? अरे तो हमें बता दी ना, हम भी चलते तुम्हारे साथ उनकी आयादत करने। अम्मी असल में सब कुछ इतना हड़बड़ाहट में हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी अफरा तफरी में निकल गई थी। बस यही वक्त देखने के लिए हम जिंदा बैठे कि इस घर की बहू और बेटी बार दंदनाते ही फिरे। आज तो असियत मियां को हम सभी बताएंगे, बता रहे हैं। हुआ क्या तुम्हारी मम्मी को है? तो वो उनकी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आए तो मर गए। हुआ क्या? हम तो मर गए, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कोई डॉक्टर के आने। मम्मी आपके सर से तो खून निकल रहा है, उठिए आप, जल्दी उठे, चले उठे आराम से उठे। मारिया की बर्बादी का खबर, ये क्यों कॉल कर रहा है इस टाइम? हेलो हेलो रीबा। हाँ बोलो। तुमने मारिया से कौन सी दुश्मनी निकाली है? क्या मतलब? बात सुनो, कोई भी बात करने से पहले ये याद रखना, मैं मारिया की दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। दोस्त? आई कांट बिलीव इट कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। क्या हो, क्या गया है तुम्हें, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, किसने भड़काया तुम्हें मेरे खिलाफ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम यही डिजर्व करती हो। जी अम्मी, वो सुबह करवा लेंगे टेस्ट हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सुन लिया अम्मी, कह रही थी टेस्ट कराने का, तो कराने ही पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल कराओ, सुबह लेबोरेटरी चलेंगे, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊँगा। खाना लगाऊँ आपके लिए? आधे घंटे तक मैं अम्मी से मिलूँ।